आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। आइए रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख बड़ी खबरों की ओर। 15 से 18 वर्ष तो 65 हितग्राहियों का कोविड टीकाकरण, आज से स्कूलों में शिविरों के माध्यम से लगाए जा रहे कोविड के टीके। राजगीर चांपा, कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 वर्ष के हितग्राहियों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिविर आयोजित किए गए हैं। शिविर किशोर किशोरियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है तथा सभी में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुकता देखी गई। यह उत्सुकता आवश्यक है क्योंकि कोरोना का फैलाव अब देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं एवं इस बीमारी से जंग में भूमिका अदा करें। स्वागत जिंदगी के लिए प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। हर बड़ी खबर सबसे पहले, उत्तर प्रदेश एवं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को सब्सक्राइब करें। हमारे से कोई खतरा नहीं है और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के सभी छात्र और देश के पूरे सभी को वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम अंकिता कर है, यहाँ मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। यहाँ वैक्सीन लग रहा है छोटे बच्चों को, मतलब 10 क्लास के, और वैक्सीन लगने के बाद कुछ फील नहीं हो रहा है। यस सर, लग गया, कुछ नहीं लग रहा है, वैसे लग रहा है नॉर्मल। विनोद कुमार यादव, पर्यवेक्षक जनगिन कन्याशाला टनी स्कूल। यहाँ का लक्ष्य है 502 और अभी तक लगा है 36 बच्चे को, और लगना है 3 दिन का डेट मिला है। यहाँ 3, 4, 5 दिन में पूरे बच्चे को हमको टीकाकरण करना है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सभी बच्चे सही रूप से है और अभी इसका गाइडलाइन मतलब 5 की बात पता चली। इसको बच्चे को आधा घंटे हम रोकने के लिए बोलते हैं ऑब्जर्व में, उसके बाद बच्चे को फिर क्लास भेजते हैं। मैं श्रीमती दुर्गा भगत, शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य हूँ। हमारे यहाँ स्टेंथ 500 बच्चे हैं, उसमें से लगभग 9th के कुछ बच्चे छूटेंगे, 30-40 बच्चे, बाकी सभी को वैक्सीन लगेगा और बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। आज शुरू से ही प्रार्थना में ही हम लोग बोल दिए थे कि बच्चे आप लोग को लगाना है और आपके गार्जियन जिनको नहीं लगा है वो भी लगाएं, और जो लड़कियां आज नहीं आई हैं उनको भी आप लोग कल बुला के ले आना, ये हम लोग के द्वारा कहा गया है क्योंकि ये आवश्यक भी है सभी के जीवन की सुरक्षा के लिए।